Hello, good morning students. How are you? I hope you will all are fine. Godmother English School Standard Senior KG. Today's subject is GK. Okay students, today is chapter 20. Opposites words. Okay, आज हम कब पढ़ेंगे क्या opposites words. OPPOSITES opposites. Opposites means क्या होता है students? विरोधार्थी मीन्स विरोधी. जैसे कोई पतला है तो उसका विरोधी क्या हुआ? मोटा. कोई लंबा है तो छोटा. हम बोलते हैं ना उसका उल्टा शब्द कहते हैं, वही होता है अपोजिट वर्ड्स. जैसे हम किसी को कहते हैं लंबा तो दूसरा है छोटा, मोटा, पतला, नया, पुराना, ये सब क्या है? एक दूसरे के विरोधी है. ओके स्टूडेंट्स, ठंडा, गर्म, गंदा, अच्छा, ये सब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है. ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे और समझेंगे. चलो हम स्टार्ट करते हैं. BIG, बिग मीन्स बड़ा. बिग मीन्स क्या स्टूडेंट्स? बिग मीन्स होता है बड़ा. यह कैसा है? यह बड़ा है. नेक्स्ट देखिए SMALL, स्मॉल. स्मॉल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल मीन्स होता है छोटा. देखो ये बड़े के अपोजिट है छोटा, मतलब कि जहां पर बड़ा है और इसका विरोधी है छोटा है. ओके स्टूडेंट्स, तो समझ गए आप, बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा. बिग और स्मॉल अपोजिट वर्ड्स है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए YOUNG, यंग. यंग मीन्स जवान. यंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जवान, मतलब जो जवान होते हैं, जो यंगर बॉय होते हैं, जो जवान है, उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट होगा ओल्ड मीन्स बुढ़े. ओल्ड मीन्स जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है. OLD, ओल्ड. ओल्ड मीन्स बुजुर्ग. ओके, देखो ये क्या है? यंग है, ये जवान है, और ये ओल्ड है, मतलब ये बुजुर्ग है. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है स्टूडेंट्स. ये यंग है एंड ये ओल्ड है. ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, शर्ट्स दिए गए हैं. शर्ट्स कैसे हैं? ये शर्ट कैसे स्टूडेंट्स? ये न्यू है. NEW, न्यू. न्यू मीन्स नया. न्यू मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? नया. ये शर्ट कैसी है? नई है. और ये कैसी शर्ट? ओल्ड है. OLD, ओल्ड. ओल्ड मीन्स पुराना. ओके स्टूडेंट्स, देखो ओल्ड मीनिंग दो होते हैं. ओल्ड मीन्स एक बुजुर्ग भी होता है और दूसरा ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो न्यू का अपोजिट, जैसे नया का अपोजिट कैसा होता है? फिर नया का विरोधार्थी पुराना. उसी तरह न्यू का अपोजिट है ओल्ड. ओके स्टूडेंट्स, ये इसका विरोधी है. न्यू मीन्स नया, ओल्ड मीन्स पुराना. ओके, न्यू अपोजिट ओल्ड. फिर देखिए नेक्स्ट है हॉट. HOT, हॉट. हॉट मीन्स गर्म. हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म. और COLD, कोल्ड. कोल्ड मीन्स ठंडा. आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है. एंड चाय कैसी होती है? चाय एकदम गर्म होती है. देखो ये हॉट है एंड ये कोल्ड है, मतलब ये चाय गर्म है. और आइसक्रीम कैसी है? आइसक्रीम ठंडी है. ओके, तो इस तरह हम कंप्लीट करेंगे. जैसे ये हॉट है, हॉट का अपोजिट होगा कोल्ड, मतलब गर्म का जैसे होता है अपोजिट ठंडा, उसी तरह हॉट का भी है कोल्ड, और कोल्ड का अपोजिट होगा हॉट. ओके फ्रेंड्स, इस तरह ये कंप्लीट हुआ. फिर देखिए नेक्स्ट है TALL, टॉल. टॉल मीन्स क्या होता है? टॉल मीन्स होता है ऊंचा. टॉल मीन्स क्या होता है? ऊंचा. ये कैसा है? ऊंचा है, मतलब देखो ये कितना ऊंचा है, इसकी कंपैरिजन में ऊंचा है. और फिर ये देखो ये कैसा है? ये ऐसा है SHORT, शॉर्ट. शॉर्ट मीन्स नीचा, छोटा. ओके, शॉर्ट. शॉर्ट मीन्स नीचा. ये देखो शॉर्ट है, मतलब ये इससे छोटा है कंपैरिजन में. ये टॉल है एंड ये शॉर्ट है, मतलब टॉल का अपोजिट होता है शॉर्ट. शॉर्ट मीन्स नीचा और टॉल मीन्स ऊंचा. ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट देखिए CLEAN, क्लीन. क्लीन मीन्स साफ सुथरा. देखो ये कैसी लड़की है, ये कैसी गर्ल है, एकदम साफ सुथरी है. कैसी है? देखो ये कितनी सुंदर है, कितनी साफ है, क्योंकि देखो इसके कपड़े वगैरह, इसका फेस वगैरह कितना साफ है ना स्टूडेंट्स. और ये देखो ये क्या है? डर्टी. ये क्या है स्टूडेंट्स? डर्टी, DIRTY,
टी वाई डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। ये बॉय कैसा है, गंदा है, देखो उसके ऊपर कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है, मतलब ये बहुत ही गंदा है, ये कैसा है, डर्टी बॉय है। ओके स्टूडेंट्स, ये बॉय कैसा है, डर्टी है। एंड ये गर्ल कैसी है, क्लीन है, क्लीन मतलब साफ सुथरा और डर्टी मतलब गंदा। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ये वाला क्लीन एंड डर्टी। फिर देखिए अप, अप मीन्स ऊंचा, अप मीन्स ऊंचा, देखो ये अप मीन्स क्या, ऊंचा, ये क्या है, अप है, ये मतलब ऊंचा है, यू पी अप, अप मीन्स ऊंचा। ये क्लाउड कैसे हैं, ऊंचे हैं, बादल कैसे स्टूडेंट्स, ऊंचे हैं। और डाउन, डाउन मतलब ये देखो ये नीचे है, ये लोग देखो क्या है, डाउन, ये लोग ये नीचे है, ये बॉय और ये नीचे है, तो हमने देखा देखो ये नीचे है इसलिए, ये नीचे इसलिए डाउन है, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन। ओके स्टूडेंट्स, देखो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि छतरी उसके ऊपर है मतलब अप, और बॉय उसके नीचे है मतलब डाउन। ओके स्टूडेंट्स, ये अप और डाउन है। फिर देखिए नेक्स्ट है मोर और लेस, एम ओ आर ई, मोर, मोर मीन्स ज्यादा, मोर मीन्स ज्यादा, और लेस, लेस मीन्स कम, एल ई डबल एस, लेस, लेस मीन्स कम, मोर मीन्स ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम स्ट्रॉबेरी काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितनी स्ट्रॉबेरीज है, 12। एंड इसके कंपैरिजन में बनानास कितने हैं, बनानास है 1, 2, 3, 4, कितने बनानास है स्टूडेंट, 4, 4 बनानास है, मतलब ये 12 स्ट्रॉबेरीज है, और ये 4 बनानास है, मतलब ये कम है और ये ज्यादा है, इसलिए इसको हम कहेंगे इंग्लिश में मोर और ये लेस, ये क्या है, मोर है, ज्यादा है, और ये लेस है मतलब कम है। ओके स्टूडेंट्स, इतने आज आपको पूरे समझ में आए अपोजिट वर्ड्स, आज हमको ये कंप्लीट करना है, आज इसको हमको इसको अच्छी तरह समझ लेना है एंड कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपको पेज समझा दिया है, बट एक बार फिर से हम इसको रिविजन करेंगे। ओके, बी आई जी, बिग, बिग मीन्स बड़ा, और बिग का अपोजिट है स्मॉल, एस एम ए डबल एल, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए नेक्स्ट बॉक्स में वाई ओ यू एन जी, यंग, यंग मीन्स जवान, ओ एल डी ओल्ड, ओल्ड मीन्स बुजुर्ग। ओके स्टूडेंट्स, यंग का अपोजिट होता है ओल्ड। नेक्स्ट देखिए एन ई डब्ल्यू, न्यू, न्यू का अपोजिट होता है ओ एल डी ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना। ओके, न्यू मीन्स नया, ओल्ड मीन्स पुराना। ओके, न्यू अपोजिट ओल्ड, मतलब नया का विद्यार्थी होता है पुराना। नेक्स्ट है एच ओ टी हॉट, हॉट मीन्स गरम, एच ओ टी हॉट, हॉट मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है, गरम, और हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड, सी ओ एल डी कोल्ड। ओके, हॉट अपोजिट कोल्ड, मतलब ये गरम है और ये ठंडा है, एक दूसरे के अपोजिट है। फिर देखिए नेक्स्ट है टॉल, टी ए डबल एल, टॉल, टॉल मीन्स ऊंचा, अपोजिट शॉर्ट, एस एच ओ आर टी शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स नीचा, नाटा जिसे हम कह भी सकते हैं, नाटा मीन्स टॉल का अपोजिट होता है शॉर्ट, मीन्स ऊंचा का अपोजिट होता है नीचा। फिर देखिए सी एल ई ए एन, क्लीन, क्लीन मीन्स साफ सुथरा, स्वच्छ, देखो ये गर्ल कितनी साफ सुथरी स्वच्छ है, इसने कपड़े कितने व्यवस्थित अच्छी तरह साफ सफाई वाले पहन के रखे, उसने कितनी साफ सफाई इसके बालों वगैरह में, ये कैसा है, स्वच्छ है, साफ है, और ये डर्टी है, डी आई आर टी वाई, डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा, ये बॉय कितना गंदा है, देखो इसके यहाँ पर मिट्टी लगी हुई है, यहाँ पे सब जगह मिट्टी लगी हुई है, वो मिट्टी में खेल रहा है, मतलब ये गर्ल क्लीन है और ये डर्टी है, इसका अपोजिट है, क्लीन का अपोजिट होता है डर्टी, मीन्स गंदे के, अच्छे के अपोजिट होता है गंदा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है अप डाउन, ये अम्ब्रेला कहाँ है, बॉय के ऊपर है, अप मीन्स ऊपर, और डाउन, बॉय कहाँ है, नीचे, मतलब अम्ब्रेला के नीचे कौन है, बॉय है, बॉय डाउन है और अम्ब्रेला अप है, देखो क्लाउड भी अप है। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी एंड बनानास, देखो ये स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा है और बनानास कम है, मतलब स्ट्रॉबेरीज मोर है एंड बनानास लेस है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको होमवर्क में ये पेज कंप्लीट करना है, इसको अच्छी तरह समझना है, और नोटबुक्स में ये सारी स्पेलिंग्स आपको राइट करनी है एंड आपको सारे अपोजिट वर्ड्स लर्न करने हैं।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक